हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग वोकैबुलरी का सेशन टू देख रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे भाई बिलीकॉज। ठीक है, बिलीकॉज, बिलीकॉज का मतलब होता है भाई झगड़ालू होना, मतलब जो बात बात पे झगड़ने की कोशिश करता है वो। ठीक है, और इसके सिनोनिम रहेंगे क्वेरलसम और ट्रिकुलेंट। भाई ट्रिकुलेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने का क्या तरीका है भाई, बिली कोज, बिल्ली निकल के आ रहा है ना इसमें से, बिली कोज में से बिल्ली निकल के आ रही है, बिल्ली ग्लूकोज, बिली कोज ग्लूकोज। ठीक है, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, बात समझ में आ रही है, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, दैट इज कॉल्ड बिली कोज। ठीक है, बिली कोज का मतलब झगड़ालू। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है भाई वीक, फ्रेजाइल, डिलिकेट, मतलब कमजोर, नाजुक, नाजुक भी कह सकते हो। ठीक है, तो फ्रेल भाई, फ्रेल को अब याद कैसे रखेंगे भाई, फ्रेल मतलब फ्री, कोई चीज़ फरी में चलेगी या फरी में बटेगी तो उसको बांटने वाला कमजोर हो जाएगा ना, मतलब फ्रेल, फ्री मतलब कोई चीज़ फ्री में कोई कंपनी बांट रही है मान लो, तो भी वो फाइनेंशियली एक दिन कमज़ोर हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। फ्रेल मतलब फ्री, फ्रेल में से फ्री वर्ड आ रहा है निकल के, है ना, तो फ्री, फ्री का मतलब किसी दिन जब आप फ्री में कोई चीज़ बांट रहे हो, कोई कंपनी बांट रही है, तो एक दिन वो कमज़ोर हो जाएगी वो। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं नाइफ। नेक्स्ट क्या है भाई, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है सच्चा, निष्कपट भाई, सीधा साधा लड़का, कोई भी कैंडिड, इनोसेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, क्या होता है नाइफ का मतलब, सीधा साधा सा कोई लड़का देखा होगा उसको नाइफ कह सकते हो आप लोग। तो याद कैसे रखे भाई नाइफ, नाइफ मतलब ऐसे याद रखो, नाइफ में नया मतलब वो नया बच्चा जो आया है क्लास में, वो एकदम से सीधा साधा है, सच्चा है एकदम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाइफ का मतलब जो नया बच्चा आया है वो एकदम से सीधा साधा है, सच्चा है, निष्कपट है, ऐसे आप तुम नाइफ को याद रख सकते हो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फ्लैम्बोयंट भाई। नेक्स्ट है फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है भाई दिखावटी, कोई चीज़ भड़कीला। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बोल्ड, कैची भी कह सकते हो, कैची का मतलब अट्रैक्टिव भी एक तरीके से होता है, कैची मतलब जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करे किसी का, कैची वो भी होता है, मतलब दिखावटी वही चीज़ है, दिखावटी, भड़कीला, फ्लैम्बोयंट, बोल्ड, कैची मतलब दिखावटी और भड़कीला। याद कैसे रखोगे भी, फ्लैम्बोयंट जो वो फिल्म में बोए, देखो फ्लैम मतलब फिल्म, फ्लैम मतलब फिल्म, बोए, बोए इसके अंदर ही है, फिल्म में जो बोए दिखाया गया था, जो लड़का दिखाया गया था वो भाई बोल्ड है, मतलब दिखावटी मतलब कैची है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एकदम से भड़कीला लड़का है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, डेस्पोंडेंसी। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, डेस्पोंडेंसी, जिसका मतलब होता है निराशा भाई, उदासी भी कह सकते हो, मतलब सैडनेस, डिप्रेशन, डोलडर्म भी कह सकते हो आप उसको, क्या कह सकते हो, डोलडर्म भाई। ठीक है, चलिए डेस्पोंडेंसी को कैसे याद करें भाई, डेस्पोंडेंसी को कैसे याद करें, देखो डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसिया ऐसे समझो, देश पांडे, यहां से दिख रहा है ना शुरू में, देखो डी ई एस से देश, देखो डी ई एस से बना लो देश, पांडे आगे पांडे, देश पांडे को फांसी हो गई इसलिए सब उदास हैं, निराश हैं, ऐसे याद कर सकते हो, देश पांडे, देश पांडे, देश पांडे को फांसी हो गई है इसलिए सब उदास है, नाराज है। या फिर ऐसे समझ लो भी, देखो इससे भी और आसान बताता हूं, देश यहां पे शुरू में दिख रहा है देश, फिर पौंड, पौंड का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, देश का तालाब सूख गया है या देश के तालाब सूख गए हैं इसलिए सब क्या है, निराश है, सैड है, बात समझ में आ रही है मेरी अच्छे से सबको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा, वीडियो देखते ही देखते सब कुछ याद हो जाएगा आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है डोलडरम भाई, देखो डोलडरम यहाँ था, मैंने वही डोलडरम वहाँ लिखा है,
ठीक है, डोल्डर मैंने वहां क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा। डोल्डरम भाई, डोल डर्म, डोल डर्म का मतलब हो गया डोल और ड्रम, दो चीजें थी मेरे पास, डोल और ड्रम भाई, दोनों के दोनों टूट गए, ऐसे याद कर लो, डोल और डर्म दोनों टूट गए। तो आप जब कोई चीज टूटती है तो उदास होते हैं ना, बस वही अनहैप्पीनेस, ऑप्रेशन, ग्लूम, आप ये सारे इसके सिनोनिम याद कर सकते हो, मतलब ये पांचवा और छठा दोनों एक ही चीज है, ठीक है। डेस्पोंडेंसी का भी मतलब वही निराशा, एक तरीके से उदासी, वही डोलडर्म का मतलब होता है। याद कैसे करना है डोलडर्म को भी, डोल और ड्राम टूट गए, डोल और ड्राम टूट गए तो आप उदास हो गए भाई, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, नेक्स्ट है गरम पी भाई। गरम पी देखो, गरम पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा। हम लोग बैड टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं या इल टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं, मतलब जिसका मिजाज अच्छा ना हो। देखो लिखा भी है मैंने हिंदी में, तुनक मिजाज भाई, ठीक है, जल्दी से जो गर्म हो जाता हो, ठीक है, जल्दी से गुस्से में आ जाता हो, इस टाइप का पर्सन गर्म पी। अब याद कैसे करना है बच्चे, देखो याद करने के लिए ऐसे समझो, गर्म पी क्या निकल के आ रहा है, गर्मा गर्म पी, गर्म पी, गर्म पी, गर्म पी, वो गर्म गर्म चाय पी गया इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया, उसको गुस्सा आ गया, उसको गर्म गर्म चाय पी ली उसने, गरम पी, उसने गरम गरम चाय पी ली भाई, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया या गुस्से में आ गया, तुनक मिजाज, ठीक है। चलिएगा, आई थिंक याद हो गया होगा यहीं पे आपको, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है एक्सटोल, नेक्स्ट लिखा है एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है बच्चे प्रशंसा, प्रेज, अपलोड, लोड, ग्लोरीफाई, ये सब इसके सिनोनिम रहेंगे, एग्जाम में भरपूर पूछे जाते हैं सारे भाई, ठीक है। तो एक्सटोल ध्यान रखेंगे, क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। अब एक्सटोल को याद कैसे करना है भाई, एक्सटोल का मतलब ऐसे समझिए, एक्स्ट्रा टोल, एक्सटोल, एक्स्ट्रा टोल, एक्स्ट्रा लंबा भाई, ठीक है। कोई भी चीज या कोई भी बंदा अगर एक्स्ट्रा लंबा है तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं ना, कि भाई तू कितना लंबा है, तू कितना लंबा है, वही एक्सटोल मतलब एक्स्ट्रा टोल, एक्स्ट्रा लंबा, मतलब उसकी प्रशंसा करेंगे सब लोग, ऐसे याद रख सकते हो जी, प्रशंसा, ठीक है। चलिएगा अगले पे आते हैं, नौवां है कास्टिगेट, कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब होता है बच्चे निंदा करना, निंदा करना, सेंसर भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, और रिब्यूक भी कहा जा सकता है, क्या कहते हैं, रिब्यूक, डांटना भी इसका मतलब होता है भाई, निंदा करना भी कह सकते हो, डांटना भी कह सकते हो, क्रिटिसाइज, सेंसर, क्या होते हैं, कास्टिगेट, ठीक है। अब याद कैसे रखना है तुम्हें, याद रखने के लिए भी ऐसे रखो, कास्टिगेट, कास्ट की वजह से ही मुझे, कास्ट की वजह से गेट पर मेरी निंदा की गई, मतलब मेरी कास्ट की वजह से मुझे गेट पे खड़ा करके मेरी निंदा की गई, या फिर मेरी कास्ट की वजह से मुझे गेट पर खड़ा कर दिया गया, बात समझ रहे हो, मुझे अंदर नहीं आने दिया गया, ऐसे बात समझ सकते हो। कास्टिगेट मतलब कास्ट की वजह से मेरे को गेट पे खड़ा कर दिया भाई, मेरी निंदा कर दी एक तरीके से उन लोगों ने। तो सेंसर, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, ठीक है, कि भाई ये ऐसी कास्ट का है, ये ऐसी कास्ट का, ऐसे कर करके वो मेरी निंदा कर रहे थे गेट पे खड़ा करके मेरे को, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। लास्ट वन पे आते हैं बीमौन, बीमौन, बीमौन का मतलब होता है भी पछतावा, लेमेंट, डिप्लोर, बीवेल, ये इसके सिनोनिम रहेंगे, लेमेंट, डिप्लोर और बीवेल भाई, मतलब क्या है, पछतावा, क्या है, पछतावा भाई, इसका क्या मतलब हुआ, बेमौन, याद कैसे करोगे, बिना मन, बेमौन, बिना मन के मैंने एक गलत काम कर दिया भाई, बेमौन, बिना मन के, मतलब मेरा मन अच्छा नहीं था, मैंने एक गलत काम कर दिया, मेरा मूड ठीक नहीं था, तो अब मुझे पछतावा हो रहा है, ठीक है, मुझे क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो पछतावा याद रहेगा बागे से आपको भाई, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। बीमौन, बेमन, मतलब मेरा मन अच्छा नहीं था, मैंने कोई गलत काम कर दिया, तो अब मुझे पछतावा है उस चीज़ का, ठीक है। चलिए फिर आज इतना करते हैं, और बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए थैंक यू भाई।